नमस्कार दोस्तों, जिसका पति परदेश में नौकरी कर रहा हो या कोई बिजनेस या कोई धंधा कर रहा हो और वो पत्नी घर में रह करके अगर ये चार काम किया करती है तो दोस्तों आप समझ लेना कि वो पत्नी लक्ष्मी नहीं बल्कि उसे फुवड़ स्त्री कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आजकल जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूं। हमें कभी भी ये चार कार नहीं करने चाहिए। अगर हमारे पति कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, धन कमाने के लिए गए, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बाहर घर से बाहर रह रहे हैं और वो पत्नी आंगन में बैठ करके ये चार काम किया करती है दोस्तों, तो आप समझ लेना उसे लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्षणी कहें तो ज्यादा अच्छा। तो स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी पेश करने के लिए जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, जिसे सुनने के बाद परिवार के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है दोस्तों। हाँ, और आपसे एक निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी और जब कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित हुआ करता है। तो आ जाओ, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए गौर करते हैं इस वीडियो, इस चर्चा के साथ। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं ना कि साहब, शौक किसे है अपने परिवार को छोड़ने का, शौक किसे होता है अपने परिवार को छोड़ने का, लेकिन ये पापी पेट ऐसा हुआ करता है जो सब कुछ करवा देता है। हमारे भाई बंधु जब घर से निकल करके नौकरी के लिए जाते हैं, पीठ पर बैग टांगा और घर से चले, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उन्हें उन आंसुओं से पहले अपने परिवार का पेट पालना दिख रहा है, अपना पेट दिख रहा है। अगर मैं इन आंसुओं के सहारे अगर रुक जाएंगे तो कल क्या होगा हमारा, कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे? दोस्तों, ये बात हकीकत है बिल्कुल कि अपनों से जुदा होने का गम हर किसी को होता है, अपनों से दूर जाने का दुख हर किसी को होता है, लेकिन करे क्या, ये पेट ही कुछ ऐसा बनाया है। दोस्तों, अगर हमारे घर से किसी का पति बाहर नौकरी के लिए गया है तो पत्नी को चाहिए कि वो कुछ नियम ऐसे होते हैं उन नियमों को बरते हमेशा, क्योंकि देखो जो इंसान नौकरी करता है ना उसकी हालत क्या होती है। आपने तो सोच लिया कि वो नौकरी कर रहे हैं बाहर, लेकिन अंदाज लगाना जब तुम्हें कोई तनख्वाह देगा तो उससे ठीक चौगुना काम तुमसे करवाएगा, तब तुम्हें उससे चार गुनी कम तनख्वाह देगा, ध्यान रखना। हम किसी के घर नौकरी करने जाएं, अगर वो हमें 300 रुपए दे रहा है एक दिन के काम करने के, तो हमसे कम से कम 1200 रुपए का काम करवाएगा तब वो हमें 300 रुपए देगा, ध्यान रखना। 12 घंटा काम कराए या 8 घंटा कराए, खूब मेहनत की, पूरे दिन बॉस की सुनी, पूरे दिन काम की तरफ ध्यान दिया मेरे भैया, और जब पूरे दिन के हारे थे कि कमरा पर लौटी, खाना भी बनाना है, बर्तन लेकर के बैठी, कपड़े भी धोने, सब कुछ करना है, बर्तन लेकर के खाना बनाने के लिए बैठी, तब तक घर से फोन पहुंच गया पत्नी का। पत्नी कह रही है, आज तुम्हारी मम्मी ने और हमसे ऐसी बात कही है, उन्हें समझा लेना, दोबारा ना कही। अंदाज लगाना जिस आदमी ने पूरे दिन काम किया हो 8 घंटे या 12 घंटे, जितना भी जिसका शरीर थक चुका हो, खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा हो, और उस इंसान से ऊपर से घर से फोन करके पत्नी ये कहे कि अपनी मम्मी को समझा लेना और आज उन्होंने हमसे ये बात कही है। दोस्तों, हाथ से खाना बनाने के बर्तन छूट जाएंगे, फोन को काट करके अपनी जेब में रख लेंगे, दोबारा आवाज कोई नहीं निकलेगी,
हाँ, तो ध्यान रखना, जो पत्नी जिसका पति परदेश में बाहर है, वो पत्नी अगर ये चार बातें कहा करती है, कौन सी? सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि घर परिवार का छोटा मोटा झगड़ा कभी भी बाहर रह रहे हुए पति को नहीं बताना चाहिए पत्नी को। देखो परिवार होता है, परिवार में जब चार लोग होते हैं तो थोड़ी बहुत कुछ न कुछ कहा सुनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पति को हर छोटी छोटी बात बता करके उनका दिमाग खराब करें। नंबर दो, पत्नी को कभी भी छोटी छोटी बातों पर पति से बात करते समय रोना नहीं चाहिए। आजकल मैंने देखा है ज्यादातर अपनी बात सत्य साबित करने के लिए, चाहे झूठी है वे सत्य, लेकिन सत्य साबित करने के लिए पत्नी छोटी छोटी बातों पर रो जाती है। तो ये कभी करना नहीं चाहिए पत्नियों को, ध्यान देना सब। और तीसरी, छोटी छोटी बातों को लेकर पति से कभी भी फोन पर या बात करते समय कभी झगड़ना नहीं चाहिए। आप अनुमान लगा करके देख लेना, जो इंसान अपने परिवार को, जो अपने इंसान अपने घर को, अपने गांव को, अपने नगर को छोड़ करके बाहर पड़ा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और तुम छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर उससे झगड़ोगे तो उसके कलेजा पर क्या बीतेगी ये तो केवल वही जाने, इस बात को हम भी नहीं बता सकते आपको, ध्यान देना। और चौथी, पत्नी को कभी भी बाहर रह रहे पति से फोन पर बात करते समय या जैसे भी कभी भी ज्यादा पैसों का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, परिवार में रहते हुए धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोजाना आप उनसे पैसों का दबाव बनाएं। इससे मालूम है उनके और दिमाग पर क्या बीतती है। ये चार काम पत्नी को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। पत्नी के ये नियम होते हैं कि पत्नी को करना क्या चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे पति की ड्यूटी है सुबह 8 से और शाम को 8, मतलब जो भी हो वो बता देंगे फोन पर, कितने से इतने में काम में जाता हूं। आपको मालूम पड़ गया कि वो काम करके वापस आ गए तो आप फोन करो तो उनसे समय समय पर हाल पूछ लेना चाहिए, अपने पति का हाल चाल पूछ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां परदेश में कोई किसी का नहीं होता, होता है सहारा तो सिर्फ अपने परिवार का होता है कि बात करके शायद हमारे दिल को तसल्ली मिल जाए। हाँ दोस्तों, नंबर दूसरी, उचित समय देख करके पत्नी को चाहिए कि पति को खाने पीने की पूछे, तुमने खाना बनाया या नहीं बनाया। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब हमारा शरीर थक जाता है मेहनत करके, तो फिर जब कमरे पर जहां पर रहते हैं वहां पर लौट करके आते हैं तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता है, ये लगता है कि अब तो जो कुछ भी है लेट जाएं आराम करें बस। तो पत्नी को चाहिए कि पूछना चाहिए, आज ही खाना बनाया आपने या नहीं बनाया। जो भी उनका जवाब हो, अगर उन्होंने ना बोले आज बनाने का मन नहीं है, तो उनसे दबाव बना, बोले खाना बनाओ, खाओगे नहीं काम कैसे करोगे, जब खाओगे नहीं चलोगे कैसे आप। उनको समय समय पर उचित समय देख करके इस चीज का हमेशा पत्नी को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, पत्नी को चाहिए कि हमेशा खुद खुश रह करके ही पति से बात करें। अगर आप बात कर रहे हो, फोन कर रहे हो, तो हमेशा खुद खुश रह करके ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाएगा ये हंस करके बात कर रहे हैं, खुश होकर के बात कर रहे हैं, तो परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है, काम करने में अच्छा मन लगेगा। और सबसे लास्ट बात, अगर पति का किसी कारणवश मन नहीं लग रहा है, और ये होता है, अक्सर होता है, अक्सर यही होता है, क्या अपनों की याद सबको आती है, चाहे कोई भी, हम जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख से कह देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते नहीं है। और वो कहते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें मालूम है याद आने से कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ काम करने से, बच्चों का पेट भरने से। अगर हम इसी याद के सारे यहाँ से चले जाएंगे तो कल क्या होगा? अगर पति का किसी कारणवश मन नहीं लग रहा है तो पत्नी को समझाना चाहिए हमेशा। ये चार काम करने वाली स्त्री को ही लक्ष्मी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये चार नियम अगर पत्नी अपना ले तो उसको ही लक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों
जब बाहर इंसान जाता है ना, तो अपने परिवार, अपना गांव, अपना घर सबको यहीं पर छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक बात लेकर के जाता है कि मुझे पैसा पैदा करना है। परदेश में जा रहे हैं, पता नहीं कौन कैसा मिल जाए, पता नहीं कौन धोखेबाज मिल जाए, पता नहीं कौन चोर मिल जाए, पता नहीं कौन कितनी मेहनत कराने वाला मिल जाए, कुछ पता नहीं होता। और उसके ऊपर से, उसके बाद अगर परिवार से रोजाना कलेश मिले, पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को खाना बनाने बैठ रहे हैं और उनको मालूम पड़ गया, बोले अब तो आ गए होंगे, और जो दिन में जो कुछ भी बात हुई, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ, बोले अब तो आ गए होंगे, ला फोन करके उन्हें बता दे। पूरे दिन का हारा थका जब खाना बनाने के लिए बैठता है, उस समय तुम अपनी व्यथा बता रहे हो छोटी छोटी बातों को लेकर के, वो कभी खाना नहीं बनाएगा, 8 दिन तब होंगे बेचारा सूख जाएगा बिल्कुल। दोस्तों, तो हमेशा इन बातों का पत्नी को अक्सर ध्यान रखना चाहिए, अक्सर, क्योंकि परदेश में कोई किसी का नहीं होता है। बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, कोई नहीं होता। जब तक तुम उसके यहां मेहनत कर रहे हो, तब तक वो तुम्हें प्यार भी करेंगे, पैसे भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई किसी का नहीं है, और ऊपर से परिवार वालों का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। जानकारी अगर पसंद आई हो आप लोगों को, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने अपने परिवार के साथ जरूर भेजें, क्योंकि शायद इस बात को सुनकर के शायद उनके दिमाग पर कोई असर पड़ जाए, शायद थोड़ा बहुत सुधार आ जाए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी वीडियो में कुछ ऐसी अच्छी बातें बताएं जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परिवार में धन की तंगी आती है, तो इन चीजों का इंसान मनन करके, बात को गौर से सुन करके अगर पालन करने के बाद सही चले, तो उसमें थोड़ा बहुत आराम जरूर मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।